सब मैं पहले तेल डाली, फिर जीरा तड़का लगाई, फिर भट्टो भुने हुए मैं। ये देखिए आपको चट चट करके आवाज आएगी। तो इसीलिए इसका नाम भट्ट की चड़कानी है, क्योंकि ये चड़क चड़क करके बात करती है और खुद बताती है कि मैं भट्ट की चड़कानी हूँ। सो गाइज आप देख सकते हैं पुदीना मैंने तोड़ दिया है, हरा हरा ताज़ा पुदीना। हेलो टू ऑल, तो सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। वेलकम बैक टू माय चैनल GMTS क्रिएशन। व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको देहरादून का मौसम दिखाती हूँ, पहले आप वो देखिए, उसके बाद हम व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पूरा। वो जो सरिये हैं वो काटे जा रहे हैं, वो मशीन है सरिये वाली, और यहाँ पर काम चल रहा है। इस साइड पे टाइप 4 है, ये टाइप 3 है, जहाँ हमें ये टाइप 2 है, ये भी टाइप 2 है, और आगे टाइप 1 है। तो ऐसे डिवाइड हो रखा है ये, और अभी ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ये टाइप 4 बन रहा है यहाँ पे। ये जो है ये मेन गेट है, और यहाँ से रास्ता जो है ये आता है हमारे साइड को, और यहाँ से पीछे से भी रास्ता है। टैंकी मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई हुई है, तो पीछे से ये है एरिया। ये सारे अमरूद के पेड़ हैं, 1, 2, 3, 4 टंकी है, फिर आगे 4, 4, 4, टोटल 16 हो गई। तो 16 क्वार्टर्स है एक ब्लॉक में, 16 क्वार्टर्स है, उसके बीच में गैप है, आप देख सकते हैं गैप कितना है। तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, और ऐसे आगे को भी बने हुए हैं। अरे वो सामान आया था। सो गाइस नीचे आने का मेन रीजन ये है कि आज हम बना रहे हैं भट्ट की चड़कानी। पहाड़ी दाल पहाड़ी में बोल, आज हम बना रहे हैं भट्टा चड़कानी। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है ये सफेद भट्ट आप देख सकते हैं बीच बीच में, और काली भट्ट, और ये जो है ये होती है काली, जो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर है। तो पहले हमने इसको छान दिया है, इसमें कोई कंकड़ ना हो, और उसके बाद मैं आपको बता दूँ भट्ट की दाल जो है पहाड़ी दाल होती है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है, और मेरे पापा मेरे भाई को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मम्मी को भी पसंद है। और ये जो है ये मैंने चटनी के लिए रखा है, क्योंकि भट्ट की जो चड़कानी होती है, चड़कानी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि चड़क चड़क करके आवाज़ आती है, चट चट की आवाज़ आती है। हाँ, जब इसको हम भूनते हैं ना तो उसमें चट चट करके आवाज़ आती है, तो इसको बोलते हैं चड़कानी, भट्ट की चड़कानी। हाँ, और ये जो है आप देख सकते हैं प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च धनिया टमाटर और नींबू, ये जो है बाद में हम चटनी बनाएंगे। इसमें एक चीज़ की कमी है जो है पुदीना, वो मैं बाहर से लेके आऊँगी। मम्मी बनाएगी भट्ट की चड़कानी, मैं बनाऊँगी चटनी, और फाइनली फिर आपको दिखाते हैं कि कैसी लगती है। आप लोगों ने तो खाई होगी वैसे पहाड़ियों ने, पर जो पहाड़ी नहीं है जिनको नहीं पता है वो आप सीख सकते हो, आप देखते रहना। सबसे पहले मम्मी ने क्या किया, पहले हमने तेल डाला, और ये जो भट्ट है हम इसको क्या करेंगे, भूनेंगे भूनेंगे, और ये जब तक देखना आपको आवाज़ जरूर आएगी, तो आपको पता चल जाएगा उसको भट्ट की चड़कानी क्यों बोलते हैं, चट चट करके आवाज़ आएगी। तेल गरम हो रहा है, और ये लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, वैसे नॉर्मली बनाते हो, हमारे आयरन की कमी भी पूर्ति हो जाती है इसमें। अभी दिखाते हैं भट्ट की चड़कानी क्यों बोलते हैं। वो खुद से बोलता है, खुद बताता है कि मैं भट्ट की चड़कानी हूँ, मैं तो दूर हो जाती हूँ। आप सुन लो चट चट आवाज आएगी। थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, अगर आप सुन सकते हो तो। वो खुद बता रही है मैं भट्ट की चड़कानी हूँ। इसमें आटा डालते हैं, इसको भी भूनते हैं अच्छे से आटे को भट्ट के साथ, और अभी इसमें मसाले डाल रही है मम्मी। तो मम्मी कौन कौन से मसाले बताते रहना। अभी हमने हल्दी डाल दी, मिर्च और नमक, गरम मसाला, फिर इन सबको इसमें भून लिया। एक बार आप बता दो सबको, एक बार स्टार्टिंग से रख दिया। कुछ यहाँ था सब पहाड़ी ना मालूम ही हो कैसे बनाना, भट्टा चढ़ गया नहीं। तो मैं पहले तेल डाली, फिर जीरा तड़का लगाई, फिर भट्टो भुने हुए मैं,
भट्टे भून फिर उसमें थोड़ा आटो डाल लियो, फिर मैं मसाला डाल दी, मतलब धनिया गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर ये सब डाल बे, फिर भून बे आटा ला लिया बढ़िया के भुन दी मैं, और फिर पानी मिला दी, इसमें नींबू भी डालेंगे क्या? हाँ फिर पानी मिला दी, और बाद जब ये दाल उबल जाती ना फिर बाद में ये मैं खट्टो मिला दी, नींबू मिला दी, बस भट्टे चढ़ गए तैयार, और साथ में चटनी। हमारा शगुन ना पसंद है सही, पापा और भाई की तो फेवरेट है। मुझे पहले स्टार्टिंग में अच्छी नहीं लगती थी, बट अब धीरे धीरे अच्छी लगने लग गई। अगर जिसको भाड़ी समझ नहीं आती वो कैसे समझेगा? उनके लिए मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हमने कुछ नहीं किया, हमने तेल गरम किया, उसमें भट्टे जो दाल है वो डाली, जिसको हम सोयाबीन भी बोलते हैं, उसको हमने फ्राई किया, अच्छे से भूरा होने दिया, उसमें जब चट 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 करके आवाज़ आएगी तो समझ लेना भट्टे की चटकानी बोल रही है कि मैं बनने वाली हूँ। उसके बाद क्या करना है, हमें उसमें आटा मिलाना है, आटा मिलाने के बाद उसको भूनना है भूरा होने तक, फिर उसमें हमें क्या करना है वाटर ऐड करना है, वाटर ऐड करने के बाद जो आटा है उसमें लम्स नहीं बनने चाहिए, उनको मिक्स करना है अच्छे से, और जब वो पूरा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो जब उसमें उबाल आएगा एक दो उबाल आने दो, उसके बाद उसमें खट्टा करने के लिए उसमें नींबू ऐड करना है अगर आपको खट्टा पसंद है, जिनको नहीं पसंद है वो ना मिलाए। वैसे हम चूप भी मिलाते हैं, चूप भी होता है, और अभी तो हम नींबू ही ऐड कर रहे हैं। अब हम चटनी स्टार्ट करते हैं बनाना, तो चलिए पुदीना तोड़ के आते हैं। सो गाइज़ आप देख सकते हैं पुदीना मैंने तोड़ दिया है, हरा हरा ताज़ा पुदीना। तो चलिए अब चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उबाल आ रहा है, ऐसे दो तीन बार उबाल आने देना है। तो अब हम चटनी स्टार्ट करते हैं बनाना। वैसे सिलबट्टे में मम्मी अच्छी बनती है, पर हम लोग मिक्सी में बनाएंगे, मिक्सी में बनाते हैं, पर सिलबट्टे की जो चटनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो अब हम इसमें नींबू ऐड कर लेंगे, देखिए ऐसे उबाल आना है तो नींबू ऐड कर देना है। यार क्वार्टर्स की एक चीज़ बता देती हूँ आप लोगों को, यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम आपको मैं दिखा, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे होल हो रखा है पूरा, इसका जो रीज़न था ना ये आर ओ है, इसका रीज़न ये आर ओ इसके ऊपर गिरा, इसने इस नल को तोड़ा, जिस वजह से ये पूरा सीमेंट वाला चीज़ जो थी वो सब नीचे गिर गई थी, पूरा गड्ढा हो गया, और नया तो नल लग गया है बट ये चीज़ सही नहीं हो सकती। और हमारे क्वार्टर्स में यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर हमें कोई सही चीज़ करवानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लेन लिखानी पड़ती है। जो मैंने आपको गेट दिखाया है वहाँ पे रजिस्टर होता है, कंप्लेन रजिस्टर, उसमें क्या करना पड़ता है, हमें कंप्लेन लिखनी पड़ती है कि हमारा फ़ैन नहीं चल रहा है, या लाइट में प्रॉब्लम है, या कोई भी प्रॉब्लम है, किचन में प्रॉब्लम है, वॉशरूम में प्रॉब्लम है, वो सब हम उसमें लिखते हैं, और वहाँ से फिर आते हैं अंकल लोग, वो काम करके जाते हैं। और ये आप चूना जो देख रहे हैं ना, ये भी हम खुद से नहीं कर सकते हैं, ये जो है इसका भी टाइम ड्यूरेशन होता है, मतलब टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में आते हैं, जैसे 4 से 5 साल के बीच में एक बार हो जाता है, मतलब सारे क्वार्टर्स में, और फिर 4-5 साल बाद दोबारा होता है, क्योंकि इतने सारे क्वार्टर्स है बार बार तो होता नहीं है, तो क्वार्टर्स में ये प्रॉब्लम है, हम खुद से मतलब अलग से अपना कोई कलर नहीं करा सकते दीवारों पर। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, एक बार क्या हुआ था यहाँ पे क्वार्टर्स में ना कलर करवा दिए थे, ठीक है, किसी ने करा दिया, किसी ने पिंक करा दिया, किसी ने मतलब ब्लू करा दिया, तो अलग अलग कलर करा दिए थे, तो किसी ने कंप्लेन कर दी होगी, तो जिन जिन ने कराया था उन लोगों को फाइन देना पड़ा, और फिर दोबारा से यही कलर करा दिया है, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो दाल हमारी फाइनली बन गई है, ये देखिए। तो अब इसमें मैंने तेल ऐड कर लिया है, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसमें लहसुन को भूनूंगी, लहसुन अदरक थोड़ा सा इसमें ना इसको चीरा लगा देना है, जिससे कि जब ये भूने तो मतलब फटे ना, दाने हमारे ऊपर ना आए, ऐसे करके हमें ये सब भून लेना है। मिर्च भून गई है और प्याज भी अच्छे से भून चुके हैं, लहसुन अदरक सब हमने अच्छे से भून लिया है, अब इसको हम ठंडा होने देंगे थोड़ा।
सो गाइस, चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें धनिया ऐड कर लिया, पुदीना, और जो मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन ये सब जो फ्राई करे थे वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। चड़कानी, चटनी, हरी मिर्च और सैलेड ये तो मैंने खाने के लिए रख दिया था साथ में, तो ये हमारी चड़कानी बन चुकी है। तो मम्मी बोल रही थी मैं वीडियो बनाती हूँ तू खा के बता, अभी मम्मी खा नहीं रही, मम्मी ने बोला मैं बाद में खाऊंगी, तो मैंने सोचा चलो मैं ही खा लेती हूँ। अच्छा बना है, टेस्टी हो रहा है, चटपटा सा हो रहा है। अच्छा हम लोग पहाड़ी, हम तो भटकी दाल खाते रहते हैं, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अगर कोई पहाड़ी नहीं है जिनको नहीं पता है तो वो लोग बनाएं ज़रूर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो, और अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।